हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग लेंस। तो आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने आई, लेकिन रेसिपी के बाद में और खाने के बाद में जो बर्तन निकलते हैं उसको वॉश करने वाली मेरी मेट से ज़रूर मिलवाऊंगी मैं। वो है IFB नेपच्यून VX+15 सेटिंग वाला डिश वॉशर, जिसे परचेज़ करके मेरा बहुत ही ज़्यादा टाइम बचा है और बर्तन धोने बहुत ईजी हो गए हैं मुझे। और देखिए, इसको खोलने के बाद ये दो बास्केट दी गई है, ये है अपर बास्केट और ये है लोअर बास्केट, और सबसे ऊपर ये कटलरी बास्केट है। और इसमें हम चाय की छन्नी, स्पून्स या फिर ये नाइफ्स वगैरह रख सकते हैं। और इधर हम वॉशिंग के लिए जो पाउडर डालते हैं और या फिर इसमें वॉशिंग की एक बार आती है वो भी डाल सकते हैं। और इधर हम शाइनर डालते हैं, और ये हमको 15 से 20 डेज के बाद ही डालना पड़ता है, और उसके बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और इधर हमको सॉल्ट डालना रहता है, सॉल्ट डालते हैं जो इसको इसमें वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है। इधर एक डब्बा पूरा डालना रहता है, फर्स्ट टाइम जब भी यूज़ करेंगे तभी डालना रहता है। और ये ऊपर की बास्केट में हमको एक्स्ट्रा स्पेस भी दी है, और इधर क्या है, अगर कटलरी वगैरह ज़्यादा हो जाए, जैसे छोटी छोटी कटलरी भी रख सकते हैं इधर, जैसे नाइफ्स हो गए या फिर स्पून्स रख सकते हैं। और ये हमको एक्स्ट्रा कटलरी बास्केट भी दी गई है, और इसमें बहुत सारे स्पून्स, नाइफ्स या फिर कड़छी वगैरह बहुत ही ईजिली आ जाते हैं। अगर नाइफ्स वगैरह ज़्यादा हो जाए, कटलरी ज़्यादा हो जाए, तो बहुत ही ईजिली हम इसमें सेट कर सकते हैं और मशीन के लोअर बास्केट में अरेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी कटलरी आ जाती है इसमें। ये फ़िल्टर है, इसको हफ्ते 10 दिन में एक बार निकाल के साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि बर्तनों का कचरा ज़्यादा देर तक नहीं अटका रहे इसमें। और बर्तन लोड करने के बाद में जो ज़रूरी काम है हमको, वो है फ़ैन को एक बार रोटेट करके देखना चाहिए, ताकि किसी बर्तन में नहीं अटके ये। और सेम नीचे की बास्केट में भी है। अभी बात करते हैं जो डिशवॉशर में यूज़ होता है पाउडर के बारे में। ये IFB का ही पाउडर है मेरे पास, पूरा सेट है, और ये आपको अलग से परचेस करना पड़ता है। तो देखिए, 1 किलो का पैक रहता है ये, और ये जब भी जितनी बार भी बर्तन डालते हैं उतनी बार डालना पड़ता है हमको। और मैं 2 टाइम के बर्तन एक ही टाइम डालती हूँ, तो ये मैं स्पून फुल भर के डालती हूँ। और ये 14 अक्टूबर को मैंने चालू किया था, और आप देख सकते हैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है यूज़ हुआ, तो तकरीबन 2 महीने चल जाता है ये। और इधर है सॉल्ट, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, ये हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है, ये भी 1 किलो का रहता है, ये फर्स्ट टाइम पूरा डालना रहता है। और ये स्पार्कल है, जो बर्तनों में शाइन लाता है। अभी बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए, इसके क्या क्या प्रोग्राम है। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये मैंने इसको ऑन कर दिया। और ये अलग अलग से प्रोग्राम्स है इसमें, और जैसे ही आप जैसे बर्तन डालेंगे वो हिसाब से आपको प्रोग्राम सेट करना रहता है। तो सबसे कम टाइम वाला ये क्विक 30 से 40 डिग्री सेल्सियस वाला है, ये जब भी बर्तन कम गंदे रहते हैं हमारे तो ये सेट करते हैं। और ये फिर अलग अलग से है 50 डिग्री सेल्सियस पे जो काम करता है, ये सुपर 50 से 65 डिग्री पे काम करता है, ये 50 मिनट का है, और ये डेली 60 डिग्री सेल्सियस। और तकरीबन मैं यही टाइम सेट करती हूँ, ये 1 आवर 34 मिनट का है। और ये फिर अलग अलग से प्रोग्राम्स हैं, वो आप अपने हिसाब से जैसे बर्तन डालेंगे वो प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। ये ऑटो इंटेंसिव है, ये 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, और सबसे ज़्यादा टाइम इसका है, ये 2 घंटे 50 तकरीबन 3 घंटे है। और ये स्टार्ट का बटन है और
फिर ये स्टार्ट का बटन ऑन करना रहता है और ये इधर वॉश रिंस ड्राई एंड और जो भी प्रोग्राम चलता रहता है उसके आगे लाइट ब्लिंक होती है और इधर सॉल्ट का साइन है और जब ये सॉल्ट ख़त्म हो जाता है तो ये लाइट ब्लिंक करती है। इधर शाइनर है, ये शाइनर जब भी ख़त्म हो जाता है इधर लाइट ब्लिंक करती है। चलिए अभी मैं आपको बर्तन अरेंज करके बताती हूँ। इधर तो ये लोअर बास्केट है, इधर प्लेट्स रखने की जगह है। अगर प्लेट्स ज़्यादा नहीं है तो इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें बड़े बर्तन रख सकते हैं हम, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ प्लेट्स ही रख के बताऊँगी इसमें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है घर में छोटी मोटी पार्टी हो या फिर चार मेहमान आ जाएं तो प्लेट्स और कटोरी ही ज़्यादा यूज़ में आती है। और आपको ये भी बता दूं मैं कि ये धोए हुए बर्तन हैं, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये प्लेट्स अरेंज कर रही हूँ। तो देखिए ये 12 प्लेट्स लगा दी है मैंने, अभी दूसरी साइड प्लेट लगाएंगे और मैं आगे जाके वीडियो में आपको जूठे बर्तन भी लगा के बताऊँगी, सब तरह के बर्तन लगा के बताऊँगी और आफ्टर वॉश का भी रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी। लेकिन उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए ये स्टील की प्लेट्स भी मैंने लगा दी है, छोटी बड़ी सब प्लेट्स लगा दी है मैंने, तो स्पेस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मेरे घर के सभी प्लेट्स मैंने इधर अरेंज कर दिए हैं, तकरीबन 30 से 35 प्लेट्स मैंने इसमें रख दिए हैं। ये अभी इधर एक प्लेट की जगह और है तो ये भी इधर सेट कर देंगे। तो इधर ये जो खाली जगह बची है इधर कोई भी बर्तन हम रख देंगे, ऐसे उल्टा करके रखना रहता है बर्तन, और ऊपर के सेक्शन में हम कटोरियां लगा देंगे, ऐसे उल्टी करके रखेंगे एक एक करके। गिलास लगा देंगे साइड पे,